प्रोग्राम को यूट्यूब पर आप बाद में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। एल के चैनल से आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम। एक जति सती की कहानी सुना देता हूँ। एक देश पंजाब की राजधानी के अंदर एक अमृतसर शहर नाम का एक शहर था। वहां का एक राजा था जिसका नाम था अंब। राजा अंब बड़ा सत्यवादी राजा था और उसकी रानी का नाम था अंबली। तो राजा अंब बड़ा परमार्थी सत्यवादी राजा था। यज्ञ हवन पुण्य दान कराता है। तो मेरे सजनों, यज्ञ हवन पुण्य दान करने से राजा की काया का उद्धार हो गया। तो एक बार भगवान विष्णु की सभा के अंदर इंद्रदेव दौड़ करके आता है। कहने लगा, बोले भाई राजा अंब का यज्ञ करवा दिए हैं। राजा अंब के यज्ञ सारे सफल हो गए। जय राजा अंब अब एक यज्ञ और कर देगा तो मेरा पूरा स्वर्ग का मालिक हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए? तो महाराज कुछ ना कुछ करो। तो मेरे सदन इतनी बात कह करके ना इंद्र अपनी सभा में वापस आ जाता है। अब नारद जी वहां से चलते हैं और राजा यम की कहानी को लेकर के कि भाई इंद्रदेव बड़ा घबरा रहा है। तो नारद जी वो कह बोकने की, भाई नारद एक ऐसा है कि भाई कहावत की, भाई एक कोई गुरु एक का, कोई गुरु दो का, नारद जगत गुरु। नारद जी बड़ा ज्ञानी था, भगवान विष्णु के पास में रहने वाला था। इंद्र सभा में जाकर के कहने लगा, इंद्रदेव आप उदास क्यों? तो मेरे सदन इंद्रदेव नारद जी की वातावरण सुनकर के नारद जी से क्या कहने लग जाते हैं। तो छोटी सी कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। तो क्या बताया है कवि ने, ना जाने मन ही मेरा क्यों हो रहा डावा डोल, केत सरद को दे रहा पत्नी का ये गोल। नारद जी मेरा मन मेरा सिंहासन कंपायमान हो रहा है। तो नारद जी कहने लग जाते हैं, कमी नहीं कुछ सूरत में कुल दिया है पास, राजा इंद्र बतलाइए क्यों तुम हुए उदास। उदास क्यों? बोले भाई नारद तेरे को देरा नहीं, राजा अमृतसर शहर का रहने वाला अंब काफी यज्ञ करवा दिए, यज्ञ सफल हो गए। अगर जो राजा अंब ये का दौर कर के भाई रखवा देगा तो मेरा इस राजपाल धंधोरथ का पूरा मालिक हो जाएगा, यही मेरा चिंता है। तो मेरे सदनों नारद जी वापस जाकर के भगवान से कहने लग जाते हैं, बोला भगवान इंद्रदेव तो बड़ा दुखी है, उसकी समस्या दूर करो और जो वो राजा अंब है उसकी चिंता करो। तो मेरे सदनों भगवान विष्णु वहां से ब्राह्मण का भेष बनकर के रवाना हो जाते हैं और क्या राजा अंब के पास में पहुंच जाते हैं। दरवाजे को जाकर के ब्राह्मण का भेष भिक्षा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो मेरे सदनों क्या राजा के दरवाजे से जाकर के कहने लग गया, भगवान विष्णु ब्राह्मण के भेष में, तो क्या बताया है? दरवाजे के बार कड़ा एक राह देख रहा है। दरवाजे के बार कड़ा एक राह देख रहा है। दरवाजे के
प्रकार ब्राह्मण के देश में भगवान विष्णु द्वारिक पर जाकर के बात कहते हैं कि भाई तेरा राजा हमसे जाकर के कहे एक भिक्षा लेना चाहता है, एक साधु आया तो मेरे सदन हो इतने समझ करके क्या बताया कभी ने तो आगे क्या होता है। राजा जी एक द्वारे को एक साधु आया है और आपके दर्शन करना चाहता है तो आप जल्दी मेरे साथ में हो जाइए। राजा अम्ब सत्यवादी राजा साधु संत महात्माओं का बड़ा प्यारा था, द्वार को भर जाता है। द्वार को भर जाते ही ब्राह्मण के चरणों में शीश को झुकाता है तो मेरे सदनों साधु कहने लगे दूर करो तेरी खुशी रहेगी काया, बड़ा दिना से भला घरा का साधु दर्शन पाया, बड़ा दिना से भला घरा का साधु दर्शन पाया। आपकी ये शोभा सुन पाया हूँ कि राजा अम्ब बड़ा सत्यवादी राजा है, साधु संत महात्माओं को हरि भक्तों को मान करता है, सम्मान करता है, अपमान नहीं करता, तो आपके मैंने दर्शन पा करके बड़ा प्रसन्न हूँ। राजा इतनी बात सुन करके बड़ा राजी हो जाता है तो मेरे सदनों राजा राजी होकर के कहने लगे ब्राह्मण देव मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न है, आप कहो वही मैं आपके लिए देने के लिए तैयार हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो, धन दौलत की मेरे पास में कोई कमी नहीं है। इस प्रकार मेरे सदन राजा कहता है, विप्रदेव कहने लगा महाराज मेरे को परिवचन दो, बलवाई जब सूरवीर के सच्चाई प्राण जाए पर वचन ना जाए, मैं तेरे को वचन दे चुका, जो तू मांगेगा मैं वही तेरे को देने के लिए तैयार हूँ। और मेरे सदन इस प्रकार राजा वचन दे देता है, वचन देने के बाद में मेरे सदनों ब्राह्मण क्या मांगता है, बोले महाराज आपने मेरे को वचन तो दे दिए हैं लेकिन आपको वचनों का पालन भी करना होगा। तो भाई एक बार कह दिया क्षत्रिय वंश राजपूत अपने जबान से कहने के बाद में नानेर नहीं हो सकता, कभी भी वचन नहीं लौटूंगा, मांग तो क्या मांगना चाहता है। इस प्रकार मेरे सदनों कई तो ब्राह्मण कहने लगे राजा से ब्राह्मण कहे सुनियो धर कर ध्यान, राजा से ब्राह्मण कहे सुनियो ध्यान लगाई, राजपाट राजपाट मेरा करो अवलीना वचन भराई। आओ मेरे सदनों राजा से ब्राह्मण कहे सुनियो ध्यान लगाई, राजपाट मेरा करो लीना वचन भराई। बोले महाराज ये राजपाट धन दौलत सारा मेरे नाम करो अगर आपने वचन दे दिया है। इतनी बात कहते राजा बड़ा नाकार हो गया, क्या करना चाहिए, लेकिन वचन लोक नहीं होना चाहिए, इंसान के पास में है क्या सबसे बड़ी जवान तकरीबन राजपूत वचन देने के बाद में नाधीन नहीं हो सकता। राजा ये वचन देकर के अधीन हो गया तो बताया कभी नहीं, राजा उदास हो जाता है तो मेरे सदनों क्या ब्राह्मण से कहने लग जाता है। राजा को
उदास देख करके क्या ब्राह्मण फिर कहने लगे, ये बाबा जी से दान करो, ये बाबा जी से दान करो और देख निकाला ले जाना, जब जानूंगा सतवादी तब आज मेरे कर जाना, जब जानूंगा सतवादी तब आज मेरे कर जाना, जब जानूंगा मेरा से दरवाजे के बाहर खड़ा तेरी सादे करा से, दरवाजे के बाहर खड़ा तेरी सादे करा से, ये बाबा जी के दान करो और देश निकाला ले जाना, और जब बोले भाई जब मानूंगा सत्य वादी सब हाजिर मेरे कर जाना, ये राज पार धन दौलत सब मेरे तो हाजिर करके चला जाएगा, मैं जब ही मित्र को सत्यवादी मानूंगा, फिर से वापस मत आना, ये हुक्म मेरा से दरवाजे के बाहर खड़ा तेरी राह देखा। इस प्रकार मेरे सदनु राजा से ब्राह्मण कहता है, तो फिर बता कभी मारी बात मानो तो राजा, मारी बात मानो तो राजा, जल्दी कर लो तैयारी, राजा जल्दी तैयारी कर ले यहाँ से जाने की, मारी बात मानो तो राजा, जल्दी कर लो तैयारी, चले जाओ इस अमर शहर से यही अर्ज हमारी, चले जाओ इस अमर शहर से यही अर्ज हमारी, ओ छोटे लाल राजेंद्र गारी, छोटे लाल राजेंद्र गारी, ये हकदार से दरवाजे के बाहर खड़ा तेरी राधे रात, दरवाजे के बाहर खड़ा तेरी मानो तो राजा, कर लो जल्दी तैयारी, चले जाओ इस अमर शहर से यही अर्ज हमारी, छोटे लाल राजेंद्र गारी ये अखदार से दरवाजे के बाहर खड़ा तेरा राह देखा। इतनी बात कहते ही राजा लाचार हो गया, कहने लगा ले भाई ब्राह्मण मैं तेरे वचनों में आ गया, आधीन हो गया, राजा उदास होकर के वहां से रवाना होता है, राज दरबार में चला जाता है, राज दरबार में जाकर के अपनी रानी जो अंबिका थी उसके पास में जाकर के लाचार होगा, आंखों में आंसू भर के अपनी रानी से क्या कहने लगे। अब राजा के दो पुत्र थे, राजा रानी थे चारों जीव, कैसे स्वरूप में भारी दुख रहता है, तो बताया कभी ने राजा रानी से जाकर के क्या कहने लग गया,
दे रानी कान फकीरी का। एक ब्राह्मण ने करा हुक्म जो आज जागीर का, एक ब्राह्मण ने करा हुक्म जो आज जागीर का, एक ब्राह्मण ने करा हुक्म जो रानी काम फकीरी का। एक ब्राह्मण ने कड़ा हुक्म जो आज जागीरी। राजपाट धन दौलत सारा एक ब्राह्मण का नाम कर। वचन दे दिया, कसम खा गया, गंगा तल हाथ में लेकर के ये कह दिया कि भाई गंगा सबसे बड़ी पवित्र धारा बताई गई है, इसकी सबने सबसे बड़ी मानी गई है। इसकी कसम खा करके मैंने ये कह चुका हूँ कि ब्राह्मण मैं मेरी जवान से कह दिया बस जवान लोग नहीं होगा, वापस नहीं होगा, क्योंकि तू कहेगा वही मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूँ, ये कह करके मैं कसम खाई थी। ब्राह्मण ने राजपाट धन दौलत ही मांग लिया, अब तो देना ही पड़ेगा। तो बताया खाई गंगा तलक उठाई, अच्छा समझ के वचन दिया पर ओना पार बचाई, अच्छा समझ के वचन दिया पर ओना पार बचाई। एक ब्राह्मण ने
बताई वचन जरूरी था, वचन देने के बाद में वचन का निभाना जरूरी था, वचन जरूरी था और एक ब्राह्मण ने करा हुकम जो आज जागे थे। फिर बताया अरे सत के कारण लन राजा भी सत के कारण नल राजा भी खास काम प्रमाण किया सर छोड़ के बना गरीबी दुनिया में वो नाम किया सर छोड़ के बना गरीबी दुनिया में वो नाम किया छोड़ के बना गरीबी दुनिया में वो नाम किया साधु संत का मान किया दुख तकदीर का। साधु संत महात्माओं का तो मान सबसे बड़ा होता है, दुख दुख सुख तो तकदीरों में लिखा हुआ होता है। साधु संत का मान बरवाई साधु संत का मान किया दुख तकदीर का। एक ब्राह्मण ने करा हुकम जो आज जागी। फिर बताया नंबर तो थे ऊपर डट गया काशी बीच में तीनों प्राणी न्यारे न्यारे बच गया रे काशी बीच में तीनों प्राणी हर सबसे ऊपर राजा डट गया रे और सबसे ऊपर राजा डट गया सारी बात बताता है। अब रानी अंबिका पतिव्रता औरत थी, अपने राजा की बात सुनकर के राजा जी से क्या कहने लग जाती सतमत हारो सुनो पिया सतमत हारो सुनो पिया जैसा भी कर्म लिखाया से
तो ब्राह्मण को राज पियाए, वक्त धर्म का आया से, वक्त धर्म का आया से, वक्त धर्म का आया से, दो ब्राह्मण को राज पियाए, वक्त धर्म का आया से, वक्त धर्म का आया कर, वक्त धर्म का आया से, दो ब्राह्मण को राज पियाए, वक्त धर्म का आया से, वक्त धर्म का आया से। ब्राह्मण की मत कर नाराजी, सुनियो मेरे सबके कारण सत्वादी भंगी का उखंड बजाया से, दो ब्राह्मण को राज पिया, ये वक्त क्रम का आया, बताया था कि नहीं। यही मेरी प्रार्थना है, राजपाल धन दौलत में जी मत दो,
सत्यवादी संसार में नाम कमाते हैं लोग जिनकी गाथा गाते हैं। बोले भाई थोड़े दिन का जीना से राजा क्यों पछताया से। दो ब्राह्मण को राज किया ये वक्त समका आज फिर बताया नमा तीसरा कहने लगी भाई। बोले भाई तू मत ना रहे उदास ये बात धर्म की खास। बोले भाई मत ना करियो नाश पिया हो धर्म प्रतिष्ठा में पास। ना जाने ये ब्राह्मण वेश में भगवान ही आ गया हो तो राजा राज पर दंडोलत में जी मत दे करके आया आज ब्राह्मण ये मौका हाथ में आया था। ऐसा मौका बार बार नहीं आता क्योंकि साधु संत महात्माओं के लिए इंसान साधु संत महात्माओं के लिए ही काम नहीं आएगा तो किसके लिए आएगा। साधु संत महात्मा ब्राह्मण भगवान की भक्ति करने वाले अगर राजकार धन दौलत दे करके अपने दुख सहित कि भाई लाख दुख सहन भी कर सकते हैं तो उतना बड़ा धर्म घटता नहीं काया का उद्धार होता है। इतनी बात रानी राजा से कहती है तो मेरे सदनों राजा कहने लगा रानी मैं सिर्फ तेरे मुख से इतनी बात कहा करता था ये तू कहती मानता हूँ तू वाक्य मेरी पति पर और है लेकिन सुन अभी राजकार धन दौलत सारा ब्राह्मण का हो लिया तो मेरे दो बच्चे रानी राजा की लहर हो जाती है। राजा रानी से कहने लग जाता है रानी उजाड़ व्यावान जंगल में तेरे को भारी दुख सहना होगा। रानी कहने लगी राजा मैं पतिव्रता हूं तो मैं तेरा साथ नहीं छोड़ सकती। हम चारों प्राणी एक मैं दो मेरे पुत्र एक आप हम चारों प्राणी दुख सह सकते हैं लेकिन हम तीनों प्राणी आपको अलग नहीं जाने देंगे। प्यार तेरे संग नार जावे
माँ भाई दुख पावे जी, कुछ भी करो विचार पिया तेरे संग नार जावे। पिया जी मैं तेरे साथ नहीं छोड़ूंगी, तो बताया कभी ने मेरे साथ में चल प्यारी भाई दुख है कहना, दुख को मैं सुख समझूंगी पिया, दुख को पिया मैं सुख समझूंगी मानी तेरा कहना, दुख को पिया मैं सुख समझूंगी मानी तेरा कहना। है पिया हजार दुख सहन कर लूंगी तेरा कहना मानती हूँ, लेकिन यह बात मैं नहीं मानूंगी, हजार दुख सहन करूंगी आपका साथ नहीं करूंगी। राजा कहने लगा रूखा सूखा भोजन चारी नहीं मिलेगा करना, रूखा सूखा भोजन चारी नहीं मिलेगा करना, ईश्वर की माला तेरु मिटाए बेशक हो जा मरना, ईश्वर की माला तेरु मिटाए बेशक हो जा मरना, ईश्वर की माला तेरु मिटाए। राजा कहने लगा बड़े भाई रूखा सूखा भोजन प्यारी नहीं मिलेगा करना, 36 प्रकार के भोजन खानी वाली उजाड़ जवान जंगल में चली जाएगी, रूखा सूखा भी नहीं मिलेगा, रूखा सूखा भोजन प्यारी नहीं मिलेगा करना, बड़े भाई ईश्वर की माला तेरू में चाहे सको जा मरना, मेरी जान निकल भी जाना रानी रोवेगी, कुछ भी करो विचार किया तेरे संग नार जा। इतने बात कहकर के रानी तैयार हो जाती है, तो राजा फिर समझाता है, रानी का जवाब देती आती है, प्रजा और संसार रोवे हे रानी, अमर शहर के सब लोग छोड़ो करके तेरे को ये कहेंगे, रानी हमें छोड़ करके मत जा, तो क्या तू उनकी बात नहीं मानेगी। इतने बात राजा कहता रानी जवाब देती आती है, तो बताया कभी ने प्रजा और संसार रोवतन मुश्किल हो जा जाना, माफी मांगो पिया संग माफी मांगो चलूं पिया संग तेरा हुक्म बजाना, माफी मांगो चलूं पिया संग तेरा हुक्म बजाना जी। राजा कहने लगा जाता मर के मर जा बच्चे मुश्किल हो जा खाना, जाता मर के मर जा बच्चे मुश्किल हो जा खाना, बाल बच्चे तेरे खातिर होगा बिस्का खाना, बाल बच्चे तेरे खातिर हो जा बिस्का खाना। ओ कुछ भी करो विचार किया नहीं, नार जावे
मांगू, चलो प्यार संग तेरा हुक्म बजा, माफी मांगूंगी लेकिन मैं तेरे साथ चलूंगी। प्याता मर के मर जा बच्चे, मुश्किल हो जा खाना, बाल बच्चे तेरे खतरे हो जा बच्चा खाना। मतलब ना चाले तेरी फेस नार, जिंदगानी खोएगी बावली, मेरे साथ में चल करके तेरी फेस नहीं चल सकती, तू दुख पाएगी जान गमा सकती है, फूलों के ऊपर सोनी वाली उजाड़ी देवान, मनखड़ में कांटों के ऊपर तेरा काम नहीं कर सकती।